हाथरस जिले के थाना सिकंदर राव पुलिस को 15,000 के नामिया गैंगस्टर के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामिया आरोपी को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक हाथरस निपुण अग्रवाल के आदेशानुसार फरार इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सिकंदर राव पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना हसायन पर दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में फरार चल रहे 15,000 के नामिया आरोपी शौबी यादव उर्फ शौबीर को रति भानपुर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है। इनामिया आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में थाना सिकंदर राव पुलिस और वैधानिक कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। माह अक्टूबर में थाना हसायन पर मुकदमा अपराध संख्या 187/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट 4 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना सिकंदर राव द्वारा की जा रही थी। इन 4 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त शौबी यादव उर्फ शौबीर, जो 15,000 का इनामिया भी घोषित है, उसे कल शाम प्रभारी निरीक्षक सिकंदर राव और उनकी टीम द्वारा जीटी रोड पर प्रतिमानपुर के निकट गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज जेल भेजकर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है।